नमस्कार, ये है टॉप न्यूज़, मैं हूँ विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। आसमान छूते दामों के चलते इन दिनों आए दिन प्याज की चोरी की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां एक खेत में फसल काटने के बाद चोर 30,000 रुपए के 7 क्विंटल प्याज चुरा कर फरार हो गया। किसान ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार ने दावा किया कि उन्होंने अपने गांव की करीबन 1.5 एकड़ जमीन पर प्याज बोए थे और फसल तैयार होने के बाद कटाई की तैयारी कर रहे थे। मंदसौर की नारायणगढ़ पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की एक टीम ने खेतों का दौरा किया है और इस संबंध में एक रिपोर्ट अभी फाइल होनी बाकी है। आपको बता दें कि रिटेल मार्केट में प्याज के दाम इस वक्त 100 रुपए को भी पार कर गए हैं। बाढ़ से प्रभावित महाराष्ट्र से प्याज की सप्लाई कम हो पा रही है। प्याज के बढ़ते दामों की वजह से मध्य प्रदेश सरकार प्याज की अवैध जमाखोरी के खिलाफ एक्शन ले रही है। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके के कुछ लोग 20 लाख रुपए की कीमत के प्याज से लदा एक ट्रक लेकर फरार हो गए थे। लगभग 107 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उन्हें 2 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चिदम्बरम इस केस को लेकर किसी तरह का सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू ना दे। आपको बता दें कि चिदम्बरम 17 अक्टूबर से प्रवर्तन निदेशालय ED की हिरासत में थे। पहले निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने यह भी कहा है कि चिदम्बरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जाएंगे। साथ ही केस के बारे में प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस बात से सहमत है कि आर्थिक अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन पी चिदम्बरम को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आपको बता दें कि उन्हें INX मीडिया करप्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले से जमानत मिल चुकी है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। SPG बिल के बाद अब संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और अगले सप्ताह इसे सदन में पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल में पड़ोसी मुल्कों से शरण के लिए आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने इसे संविधान की भावना के विपरीत बताते हुए कहा कि नागरिकों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ विपक्षी दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार ने भी इस बिल पर आगे बढ़ने की मंशा जाहिर कर दी है। मंगलवार को ही BJP संसदीय दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि ये बिल सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। यही नहीं, उन्होंने इस विधेयक की तुलना आर्टिकल 370 को हटाए जाने से भी की है। राजनाथ सिंह ने सभी सांसदों से कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जब इस विधेयक को पेश करें तो सभी लोग सदन में मौजूद रहे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट जैसे दल इस बिल का तीखा विरोध कर रहे हैं और BJD ने भी कुछ एतराज जताए। इसके बाद भी BJP के पास लोकसभा में इस बिल को पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या है। यही नहीं, राज्यसभा में भी अकाली दल और JDU जैसे सहयोगियों का साथ उसे मिल सकता है। आपको बता दें कि नागरिक संशोधन विधेयक के तहत 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इन समुदायों के उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो बीते 1 साल से लेकर 6 साल तक में भारत में आकर बसे हैं। फिलहाल भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए यह अवधि 11 साल की है। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने बीते 28 मई को लंदन से मुंबई की फ्लाइट को हुई देरी को लेकर हर यात्री को 47,700 रुपए का मुआवजा दिया है। विमान में तकनीकी खराबी आने की वजह से फ्लाइट 2 दिन से ज्यादा लेट हो गई थी। पहले तो कंपनी ने खेद जताते हुए किसी तरह की जवाबदेही से इनकार किया था, लेकिन बाद में उसने मुआवजा देने का कदम उठाया। ये मुआवजा यूरोपीय संघ के नियमों के मुताबिक दिया गया है। नियमों के मुताबिक यूरोप से उड़ान भरने वाला कोई भी विमान अगर अपनी मंजिल पर 3 घंटे से अधिक देरी से पहुंचता है तो कंपनी को हर यात्री को 47,700 रुपए जुर्माना देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि भारत में ऐसा होने पर कुछ ही यात्री मुआवजे की मांग करते हैं। भारतीय विमानन नियामक के अनुसार फ्लाइट कैंसिल होने या कंपनी द्वारा बोर्डिंग से मना करने पर मुआवजे का प्रावधान है। एविएशन सेक्टर के विशेषज्ञों के मुताबिक अधिकतर भारतीय यात्री मुआवजे की मांग नहीं करते हैं और इसकी वजह से भारत की एयरलाइंस इंडस्ट्री मुआवजे के मद से सालाना $10 करोड़ यानी 700 करोड़ रुपए बचाती है। ये है अभी की कुछ खास खबरें और खबरों के लिए जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का YouTube पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का Facebook पेज।